बंधुओं, आज मैं हर्बल पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आज हमने इस जो कोरोना वायरस की स्थिति है उस पर आपको आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। और आज देखिए कि मैं आपको ये जो है क्या कहते हैं मास्क, अभी जो खास करके जो सरकारी गाइडलाइन भी है कि मास्क का प्रयोग कीजिए, तो ये हर्बल पॉइंट बेगूसराय ने इस तरह का मास्क बहुत सारे तैयार किए हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका उपयोग भी किया जा सकता है। मैं इसके खास विशेषताओं पर चर्चा करूंगा और आपको ये मास्क चाहिए तो हम आपको उपलब्ध भी कराऊंगा। इसका नाम हमने हर्बल मास्क दिया है। ये हर्बल मास्क ये नेट का, ये देखिए डबल नेट से बना हुआ, जो आपका साधारण स्टैंडर्ड है ये बना हुआ है, ये डबल लेयर का है। और इसके अंदर जो एक खास विशेषता है कि शेष तो ठीक उसी तरह से है कि इसको इस तरह से हम इसको अपने उपयोग कर सकते हैं। और इसके अंदर एक खास जो विशेषता है कि इसके अंदर देखिए एक जेब है, इसके अंदर हमने एक डाला है जेब, देख लीजिए जेब, ये जेब। और इस जेब में हम क्या करते हैं कि खास करके इसको आप प्रतिदिन धो सकते हैं। एक बार आप बाजार निकलिए, आने के बाद धोइए, आपको देखिए 5 से 10 मिनट में आपको ये सूख के पेट बिल्कुल तैयार हो जाएगा फिर दूसरे काम के लिए। और इसके जेब में जो है उसमें हम एंटीवायरल, जो वायरस को दूर करने वाले जो खास करके जड़ी बूटियां हैं उसको, उसका एक पैकेट बना के, चाहे वो आप ये क्या कहते हैं किसी भी कपड़े में, साफ कपड़े में डाल दें या फिर वो किसी भी चीज में डाल के इसके अंदर अगर आप डाल के इसको इस तरह से प्रयोग करते हैं तो आपको ये कम से कम, मैं उम्मीद करता हूँ, किसी भी तरह के वायरस से आपको बचाता है। इसमें किस किस पदार्थ को हम डालते हैं उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है कि इसमें हम क्या क्या डालते हैं। बंधुओं, वो हर्बल मास्क, देखिए मास्क की क्या चर्चा, हर्बल शब्द जहां लगता है ना तो ये आजकल बहुत प्रचलित है, ये तो बहुत लोग उत्साहित हैं। और आज देश में देख रहे हैं कि इतने सारे हॉस्पिटल्स बंद हैं, आउटडोर सेवा एम्स सहित अनेक सरकारी गैर सरकारी औषधालयों का बंद होने के बावजूद भी लोग कम बीमार क्यों हो रहे हैं। आज सब लोग अपने घरेलू औषधियों का व्यवहार करके और अपनी प्रकृति पर भरोसा करके जी रहे हैं। और बहुत पहले बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि किसी जमाने में, कि वो हमको लगता है 1917-18 के आसपास जो एक बहुत बड़ा इसी तरह का एक संक्रामक हुआ था, तो उसमें जितने लोग मरे थे उससे ज्यादा लोग उसके वैक्सीन लेके मर गए। तो बंधुओं, वो नहीं है, अभी तो बच रहे हैं प्रकृति के प्रकोप से। तो मैं ये कह रहा था ये हर्बल मास्क के बारे में, ये मास्क जो बनता है ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये मास्क जो होता है पूरा एक नेट है, जिस नेट के का दोहरे परत से बनाया गया है। और दोहरे परत से बनाने के बाद क्या होता है, इसमें एक जेब डाला गया कि इस जेब में कुछ ऐसे हर्बल्स डालते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक, खासकर वायरस के लिए, एंटीवायरल होता है उसको डालते हैं। तो आइए उस सबसे एक एक करके परिचय कराते हैं आपको। सबसे पहले उसमें हम डालते हैं लौंग, आप ही लौंग जान रहे हैं, इसमें 2 लौंग डालते हैं, दो लौंग। उसके बाद डालते हैं इलायची, देख लीजिए इलायची। और इलायची का जो ये परत होता है, इस परत को तोड़ के ताकि इसका सुगंध बाहर निकल सके। तीसरा जो है वो डालते हैं ये जावित्री का फूल जो होता है, वो जायफल, इसी का फल होता है, फूल होता है जायफल, पर हमने एक वीडियो डाली भी है, उसके गुणों की चर्चा भी की। और चौथा जो हम डालते हैं वह है सामान्य कपूर, जिसका उपयोग हम पूजा पाठ में करते हैं, ये कपूर, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल कपूर को डालते हैं। ये चारों चीज को उसके अंदर हम डालते हैं। और डालने के बाद वो डालते कैसे है, या तो कपड़ा का एक पुड़िया बनाइए या ये टिश्यू पेपर में डाल दिए और डाल के इसके जेब में डाल दीजिए पुड़िया बना के, और फिर आप अपने मास्क का प्रयोग कीजिए। तो ये मास्क का मास्क, और खास करके ये मेडिसिन का मेडिसिन, और एंटी वायरल, ऐसा लगता है जिसमें वायरस का प्रकोप नहीं हो सकता है,
कुछ लोग कहते हैं इसका प्रमाण क्या है। बंधुओं, प्रमाण आजकल प्रमाण खोजने वाले पर तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो लीजिए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, आप गूगल पर चले जाइए, गूगल बाबा को कहिए कि रिसर्च पेपर्स ऑफ चारों चीज, लौंग, इलायची, जावित्री का फूल और कपूर, रिसर्च पेपर्स को ढूंढिए जो समूचे दुनिया के लोग रिसर्च कर रहे हैं। बंधुओं, दुनिया के लोग हमारी चीजों को, हमारी जड़ी बूटियों को आप ये क्या कहते हैं अपने यहाँ पेटेंट कराने के चक्कर में है, हम लोग इसका इसके खिलाफ बोलते हैं और इसमें बोलते हैं कि इसमें गुण क्या है, इसका प्रमाण क्या है। अरे बंधु, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप इसका प्रयोग तो करके देखिए, प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आइए हम इन चारों चीजों के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये लौंग की चर्चा करें। देखिए, इसमें लौंग का क्या होता है, इसको कहते हैं क्लोव भी अंग्रेजी में, ये लौंग। और इस लौंग से क्या होता है कि ये लौंग जो होता है इसमें आपको देखते हैं कि कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है, इसमें ये ऑलिनेलिक एसिड भी पाया जाता है जो सर्दी, जुकाम, अस्थमा वगैरह से आपको मुक्ति दिलाता है। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में तो यह लौंग बहुत बहादुर है। आप सुबह शाम सुबह एक लौंग खा लीजिए, देखिए उसके गुण को देखिए। लौंग बहुत उपयोगी है और यह सुगंधित भी होता है, इसके तेल से हम लोग काफी काम करते हैं। दुनिया की बहुत सारी दवाइयां आयुर्वेदिक और अंग्रेजी भी ये लौंग के तेल से बनाए जाते हैं, बस इसको अंग्रेजी में कोई नाम दे देते हैं, दैट्स ऑल। दूसरा है इलायची, इसको इससे आप लोग सब लोग परिचित है। देखिए, एंटीवायरल और ये क्या कहता है, बैक्टीरिया से दूर करने वाला होता है और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब देखिए, इलायची से क्या होता है कि ये बहुत गर्म मसाला में तो प्रयोग कर ही सकते हैं, ये डिटॉक्सिफाइड तो करता ही है, या कोल्ड से, कफ से और ब्लड क्लॉटिंग से। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो चमड़े में ये हमारे रक्त का जो थक्का बनता है जिसके कारण हम अस्थमा के रोग में, हृदय के रोग में आदमी क्लप्स करते हैं, हार्ट अटैक होता है, उससे भी बचाता है। और इसके जो सुगंध होते हैं वो एंटीवायरल और आपके वायरस से बचाते हैं। इसको आप इसको तोड़ दीजिए, इसका खोलिए, इसका ये जो है ना, इसका 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 परत हटा के रखिएगा, नहीं तो इसके अंदर ही रह जाएगा। इसका परत हटाइएगा या तो बाहर कर दीजिएगा या इसी थोड़ा मुंह खोल के उसमें रख दीजिए। तीसरा जो है वो आप देखते हैं, यह है ये जावित्री का फूल। जावित्री का फूल के बारे में आपको कहा हमने, ये जायफल जो फल होता है उसे का ये फूल है, ये गर्म मसालों में प्रयोग किया जाता है। और जावित्री का फूल जो है उसमें माइस रिस्टीन और मैकेलिग्न नामक जो पदार्थ इसमें पाया जाता है, ये हमारे मानसिक स्थिति में काफी सुधार लाता है, मानसिक स्थिति में सुधार लाता है। ये सर्दी खांसी से बचाता है, फ्लू से बचाता है और वायरल जितने वायरस के कारण रोग होते हैं उससे तो बचाता है। ये दिमाग और खास करके अस्थमा के लिए बड़ा उपयोगी है और ये सुगंधित भी होता है। इसको आप सुगंध करके देखिए, सुगंधित भी होता है, इसको सूंघ के देखिए। और चौथी जो चीज है वह है ये क्या कहते हैं ये कपूर के बारे में क्या कहना। कपूर तो आप हम पूजा पाठ में हर जगह प्रयोग करते हैं और इसके गंध सुगंध से हम परिचित हैं और इसके गुणों से भी परिचित हैं। हवन में डालते हैं, पूजा पाठ में जब डालते हैं, इसके गंध से पूरा वातावरण शुद्ध होता है, एंटीवायरल होता है। आप समझ रहे हैं, सिर्फ घंटी बजाने से नहीं होता। हमारे पूर्वज बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने जिन चीज़ों का प्रयोग बताया है वो विज्ञान के दृष्टिकोण से बताया। आज भी विज्ञान हमारी परंपरा से पीछे है, लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपने घर की चीज को क्यों मानेंगे। हमारी तुलसी का कोई जोड़ा है, हमारे हल्दी का कोई जोड़ा है, हमारे नीम का कोई जोड़ा है दुनिया में, और ये तीनों फिटकरी, ये देखिए ये सारी चीजें, एक ऐसा डॉक्टर अपने आप में एक डॉक्टर है और ये सब चीजों का प्रयोग करने से ये होता है। तो चलिए, इस चारों चीजों को लेके आप उसको कैसे कीजिएगा वो जरा सा। हम टिश्यू पेपर लेते हैं, इसमें दो लौंग उठ लीजिए, दो दिख रहा है, दो लौंग इसमें डाल दीजिए। इसमें डालिए दो इलायची देख रहे हैं, दो इलायची। आ इसको तोड़ के, इसको तोड़िए और तोड़ के डाल दीजिए। इसमें डालिए जावित्री का एक फूल लीजिए और एक फूल डाल दीजिए, ये एक फूल डाल दिया।
अब इसमें हम डालते हैं ये क्या कहते हैं ये इसमें से लीजिए 2 कपूर, इसमें से आप 2 कपूर देखते हैं, 2 कपूर देख रहा है, दिखाई दे रहा है 2 कपूर, और इसको भी इसमें आप डाल दीजिए, इसके इसका एक पुड़िया बना लीजिए, छोटी सी पुड़िया एक परत दीजिएगा, हमने तो पूरा इस दिखाने के लिए इसको पुड़िया बना के आप इसके जेब में डाल दीजिए, इसके जेब में डाल दीजिए, जेब में डाल दिया, और इसको जब आप इसमें प्रयोग करेंगे तो इसका देखेंगे कि काफी ही खूबसूरत सा सुगंध आपके अंदर जाएगा और आपको बैक्टीरिया विभिन्न तरह के बैक्टीरिया से आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाएगा और बहुत ज्यादा लाभकारी है। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और देखिए जिस तरह से हम लोग बचते आ रहे हैं, बचते रहेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप इस मास्क का प्रयोग करेंगे। मेरे यहाँ उपलब्ध है हर्बल पॉइंट बेगूसराय में, टेलीफोन नंबर भी हमारा ये है, आप बात करके आ सकते हैं, और इन दवाओं को आप खुद भी डाल सकते हैं। ये जो हमने बताया है कोई जरूरी नहीं है कि इसको मैं ही डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते हैं, आप खुद डालिए, और आप डालिए ऐसे भी नहीं, अगर आप नहीं डालते हैं तो उसका एक पुड़िया बना के जेब में डालिए, एक पोटली बना लीजिए कागज में, उसको जेब में रखिए, बच्चों के जेब में रख दीजिए, गले में ताबीज बना के लटका दीजिए इन चीजों का। ताबीज देख के आपको गुस्सा आ रहा होगा कि क्या अंधविश्वास की बात करते हैं, जी नहीं, मैं अंधविश्वास की बात नहीं करता हूं, वो ताबीज लगा के लटका दीजिए इसके सुगंध के कारण, उसके कोई आध्यात्मिक गुणों के कारण नहीं, तो आप देखेंगे कि हमारे इन चीजों से हम लोग बचेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोरोना से पूरा देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपके सुंदर स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।